प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Woohoo, all for you. Wow. Thank you so much. Please have it. So sweet. Anjali bhabhi. Thank you. क्या देख रहे हो दया भाभी? वो उसने कार्ड ऐसे घुमाया और उसे पैसे मिल गए। ऐसे कैसे पैसे मिल गया? नहीं नहीं, पैसे उसके बैंक में जाके जमा हो गए। अच्छा, आपकी और उसकी बैंक एक है? नहीं, मेरी बैंक अलग है और उसके बैंक अलग है, और मेरी बैंक उसके बैंक को पैसे देती है। कमल है, खरीदती मैं हूँ और आपकी बैंक उसकी बैंक को पैसे देती है, जबकि आपकी बैंक को पता ही नहीं है कि खरीदी मैंने की है। कौन किसको पैसे देते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और इस सब चक्कर में पैसे कहाँ हैं? You mean cash, right? हाँ, नगद। इसमें कैश का कोई चक्कर ही नहीं होता है। मतलब पैसे नहीं है फिर भी पैसे है। ओके, मैं आपको समझाती हूँ। जो भी बैंक का कार्ड हो वो बैंक आपको क्रेडिट देती है, यानी उधारी, और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाए तो आपको पैसे भर देने होते। That's it. और इसीलिए इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए कार्ड प्लास्टिक का होता है। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी। मुझे भी। अंजलि भाभी समझाओ ना। ठीक है। रोशन भाभी, आप यूं सोचिए कि सोड़ी भाई ने एक गाड़ी ठीक की, वो गाड़ी उन्होंने कस्टमर को दे दी। उस गाड़ी के पैसे 10 तारीख को आने वाले हैं, पर आपको पैसों की जरूरत 5 तारीख को है, तो ऐसे में आप क्या करेगी? तो फिर मैं रोशन से झगड़ा करूंगी और उसको बोलूंगी कि पैसे अभी के अभी ला कर दे, वरना मैं तुझे घर पे पैर नहीं रखने दूंगी बाबा। अरे अरे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कार्ड है तो 5 तारीख को आप पैसे यूज कर सकते हैं, उस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, और 10 तारीख को जब आपके पास पैसे आए तो पैसे लौटा सकते हैं। और इसके कई सारे फायदे भी होते हैं, जैसे पैसे चोरी होने का डर नहीं, इसके ऊपर काफी सारा डिस्काउंट भी मिलता है। अरे वाह। और इसके जरिए हम लोग ऑनलाइन प्लेन या ट्रेन के टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे फायदे हैं कार्ड के। सच्ची? That's easy. चाहिए। मैं टप्पू के पापा को कहूंगी कि मुझे ये कार्ड चाहिए ही चाहिए। मुझे भी। हाँ? रात्रीत खेळ चाले या गुड चांदण्यांचा। अरे वाह, आज एकमेव सेक्रेटरी बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, गाना गुनगुना रहे। क्या है माधवी, गाना गुनगुनाने के लिए अच्छा मूड का होना जरूरी नहीं है, आप टेंशन दूर करने के लिए भी गाना गुनगुना सकते हो, है ना? तुम भी ट्राई करो, लेकिन अकेले में, प्लीज। नको रे बाबा, मुझे मेरा टेंशन दूर करने का तरीका मिल गया है। अरे वाह, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड? हाँ, हम सब औरतों ने तय किया है कि हम क्रेडिट कार्ड लेंगे। अरे माधवी, जिनके पास पैसे होते हैं ना उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिनकी जेब खाली होती है ना उनको कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलता। अरे उनका कोई क्रेडिट ही नहीं होता माधवी। ये समाज, ये दुनिया, ये... ओ, मैंने मेरा ग्रेजुएशन 15 साल पहले ही कम्प्लीट कर लिया है, अब वापस लेक्चर मत दो। माधवी, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे जमाने में पास
रेशन कार्ड के जमाने की बातें करके क्या फायदा? क्रेडिट कार्ड का जमाना है, आहत उठे। अरे माधवी वो सब ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की वजह से कितना खर्चा बढ़ जाता है। और हमेशा याद रखो कि उधार के घी से दिया जलाओगी तो साथ में घर भी जल जाएगा। विचार अच्छा है बोर्ड पर लिखने के लिए। और वैसे भी अंधेरे में रहने से तो अच्छा है कि उधार के घी से उजाला हो। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं क्रेडिट कार्ड लिमिट में और जरूरत पड़ने पर ही यूज करूंगी। क्यों ना? थैंक यू वेरी मच। अरे माधवी, लगता है जिंदगी भर गाने गाने पड़ेंगे। कशाला उद्याची बार। ओहो, आज तो पूरा दिन पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। क्या कहती है हेडलाइंस? टप्पू के पापा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें इस तरह देख के मुझे अपनी सुहागरात का दिन याद आ गया। याद है उस दिन भी रात को बादाम पिस्ता वाला दूध लेके आई थी तू इसी तरह? याद है। और उस दिन रात को मैंने अपने हाथों से आपको वो बादाम पिस्ता वाला दूध पिलाया था। अपनी सुहागरात के दिन अगर तू मुझे अपने हाथों से बादाम पिस्ता का दूध नहीं पिलाएगी और कौन पिलाएगा? क्या अभी? और पता है उस दिन दूध पीने के बाद, उसके बाद क्या? आपका पेट खराब हो गया था। फिर भी तू आज मेरे लिए बादाम पिस्ता का दूध लेकर आई है मेरी मोरनी। आज आपकी मोरनी वो बादाम पिस्ता वाला दूध नहीं लाई है, तो सादा पानी चूरन के साथ, आपके पेट का सच्चा साथी। तू मोरनी नहीं चोरनी है। अरे मैं यहाँ मीठे मीठे लम्हे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू आके दर्दनाक हादसा याद दिला रही है। अरे दर्दनाक हादसा तो वो था जब आप ट्रेन का टॉयलेट में फंस गए थे। अरे भाई वो सब अभी तो क्यों याद कर रही है, क्या मजा आ रहा है तुझे, बोल जाना वो सब। अच्छा बाबा अच्छा, आप जल्दी से चूरन ले लीजिए, फिर मैं कल सुबह अपने हाथों से आपको फाफड़ा, जलेबी, पात्रा, पपैया की चटनी सब परोसूंगी। अच्छा अब बात समझ में आ गई, मुझे बकरा बनाने की फुल कोशिश चल रही है। नहीं क्या मतलब? ओहो, देखो तो बोलिए, क्या मतलब? सब मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। अरे हम व्यापारी लोग जब ये सेल का पार्टियां लगाते हैं ना तो उसके पीछे हमारा ही फायदा होता है। उस तरह तू मुझे ये फाफड़ा जलेबी खिलाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे तेरा क्या फायदा बता चल। पकड़े तो अब कितने होशियार हो, सब बात बिना कहे समझ जाते हो। वो मैं ये कह रही थी कि क्या है कि मुझे ना कॉकरोच कार्ड चाहिए। वो क्या होता है? वो प्लास्टिक का इतना लंबचौरस कार्ड होता है ना, और ऐसे करते हैं तो बिल चुकता हो जाता है। ओ कॉकरोच कार्ड नहीं, उसका क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड? हाँ हाँ आप समझ गए ना। अरे मैं तो मैं ले लूं। अरे वो कार्ड तेरे क्या काम का था यार? अरे बहुत काम का है, पता है आज मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो बेचारे बबीता जी ने अपने कार्ड से मेरा बिल चुकता किया। बबीता जी ने? हाँ। बबीता जी की तो बात ही अलग है, आज तक समझ में नहीं आ रहा है अय्यर को ऐसी बीवी कैसे मिली। कुछ नहीं मैं आता हूँ अभी जरा। अरे कहाँ जा रहे हैं? वो बबीता जी को पैसे चुका के आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं दया, अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो ये हमारी फर्ज बनती है कि हम उनको तुरंत जाके पैसे लौटा दे। क्या
मेरा सर पे अगर किसी का उधार हो ना तो मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। तू सो जा आराम से, मैं पैसे दे के आता हूँ। मुझे आपको ये सब पता है, इसीलिए मैंने घर पे आते ही तुरंत बबीता जी को उनके पैसे दे दिया। अरे इतने भी क्या जल्दी थे? ऐसा बबीता जी ने तुमको बोला होगा नहीं? उनको बोल ही देने का कि भाई ये टप्पू के पापा का स्वभाव ही है कि तो बात पक्की? कौन सी, किसकी? वो शेड्रिक कार्ड। अरे शेड्रिक कार्ड नहीं, कैड्रिट कार्ड। कैड्रिट, के ए ड्रिट, कैड्रिट कार्ड। हाँ वही, तो मैं ले लूँ ना? ले भाई ले, जा ले ले। अरे क्या ले लो, ये कार्ड सब्जी वाले के पास थोड़े ना मिलता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि आप जरा अपने बैंक में फोन करके कह दीजिए ना, ताकि हम सभी लेडीज वहाँ मिलाए। ठीक है, मैं वो श्याम राव, भीम राव, विनायक राव, राजा राम को फोन कर दूंगा। इतने सारे लोगों को फोन करना पड़ता है? अरे ये तो बैंक का नाम है, मैनेजर का नाम तो के बाबू है। अच्छा, के बाबू। श्याम राव, भीमराव, विनायक राव, राजा राम को ऑपरेटिव बैंक। अब हमें कार्ड मिल जाएगा। यस। और फिर हम बिना डरे बिना टेंशन के शॉपिंग करेंगे। ये के बाबू भाई कहाँ मिलेंगे? जी उस कैबिन में मिलेंगे। हाँ, थैंक यू। चले चले चले। बैठिए। जेठालाल जी ने कहा था कि आप लोग आएंगे करके। मेरे पति। हमारी बैंक की खासियत ये है कि यहाँ आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं वापस जाता। क्या बात है, बहुत अगली गोष्ट है। तो फिर क्या लेंगे यहाँ? क्रेडिट कार्ड। हाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है चाय कॉफी में से कुछ। नो नो फॉर्मेलिटीज, वो सब हम घर पर लेकर आए हैं। हाँ। आप हमें बस क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। हाँ। हमारी बैंक की खासियत ये है कि यहाँ आने वाला कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। बैंक में आया है कि मंदिर में, समझ में ही नहीं आ रहा है। चार, चार, चार जोक है। अच्छा अच्छा जोक है, ऐसा बोल रहे वो। तो आप सब लोग क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए तो क्रेडिट कार्ड कितने में पड़ेगा? देखिए हम लोग को चार क्रेडिट कार्ड चाहिए है, तो डिस्काउंट करके थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। हाँ देखिए मैडम, क्रेडिट कार्ड कोई किलो की भाव से या डजन के भाव में नहीं बेचे जाते। उसके लिए फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ता है। आप सैलरी स्लिप तो लाई होगी ना? सैलरी स्लिप? हाँ, यानी आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपको पगार तो मिलता होगा ना कुछ? वेल, हमें कोई पगार नहीं देता। यानी आप कुछ काम नहीं करते? नहीं रे नहीं। अरे वो क्या है, घर के सभी काम वो भी करते हैं। नहीं नहीं मैडम, देखिए ऐसा नहीं चलता। देखिए आपने ये अभी कहा कि आपके यहाँ आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता। हाँ। 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 आप लोग कुछ कमाती नहीं है ना? मैं कमाती हूँ। कैसा है, मेरा अचार पापड़ का बिजनेस है। बहुत अलग अलग तरीके के अचार बनाती हूँ मैं, और पापड़ तो इतने फेमस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास पैन कार्ड होगा? पैन कार्ड नहीं है। इसका मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करती? करती हूँ ना, मतलब इसी साल से सोच रही हूँ रिटर्न कर दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मुश्किल है आपको क्रेडिट कार्ड मिलना, बड़ा मुश्किल। नहीं नहीं देखिए, आप ही तो कहा था कि यहाँ आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता। माफ करना मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बिना सैलरी स्लिप या पैन कार्ड या इनकम टैक्स रिटर्न मैं आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, सॉरी बोलने से नहीं चलेगा, आप ही ने कहा था कि। इसके बाद नहीं कहूँगा कि हमारी खासियत है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता।
इसके बाद ऐसा कहूंगा कि माफ करना, यहाँ से कोई कोई कभी कभी खाली हाथ भी जाते हैं, जैसे कि आप। अरे ऐसा थोड़ी चलता है, आपको कारण देना ही पड़ेगा, आपको आपकी बीवी की कसम। ये बीवी कहाँ से निकाली और कसम कहाँ से आई? देखिए ऐसा नहीं होता, आप लोग हाउसवाइफ्स हैं, आप लोग कुछ कमाती नहीं है। समझो अगर आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और उसका पैसा अगर आप नहीं दे पाई तो मैं क्या करूंगा? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम लोग इज्जतदार घर की औरतें हैं, आपको हम पे भरोसा नहीं है? देखिए भरोसा तो मुझे मेरे पिताजी पर भी नहीं है, मैंने उन्हें भी क्रेडिट कार्ड नहीं दिया, समझे? देखिए ये आपका और आपके बापूजी का प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या करें? हमें कारण चाहिए बस। मैं कार्ड नहीं दे सकता, समझे? नहीं नहीं हमें चाहिए। नहीं दे सकता मैं। I'm extremely sorry, नहीं दे सकता। अब इसका आपको 100-100 रुपया देना होगा। 100 रुपये? 100 रुपये हम क्यों देंगे? हाँ माँ। देखा देखा, आप इस फॉर्म के 100 रुपये नहीं दे सकती तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करोगे? हाँ अभी एक काम कीजिए, आप यहाँ से निकलिए, जाइए यहाँ से। सत्यजय काय 47? अरे बाबा, अरे छुट्टे नहीं है? नहीं बाबा। अरे वाह, आप लोग आ गए सर, बन गया क्रेडिट कार्ड। हाँ अंजलि भाभी, वो लोग वो पैन कार्ड और सैलरी स्लिप से 10-10 चीजें मांग रहे हैं। मुझे नहीं लगता बबीता जी आपके जैसा प्लास्टिक का पैसा हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे कभी। अरे काय को नहीं कर पाएगी? अरे मैं भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हूँ, ये देखो मेरा क्रेडिट कार्ड। ओ भाई, क्रेडिट कार्ड। माय माय, वो कौन है? इसके पास क्रेडिट कार्ड है। हाय जॉनी, तुम्हारे पास भी कार्ड है? या सुनीता? अरे बराबर है, सुनीता के पास क्रेडिट कार्ड होगा ही, वो कमाती है ना। अरे हम जैसे हाउसवाइफ को कौन क्रेडिट कार्ड देगा? सच्ची बात है। अरे ऐसा नहीं है, मैं जब हाउसवाइफ थी ना तभी क्रेडिट कार्ड लिया था। ये क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से ये धंधा शुरू किया। हाउसवाइफ को भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? अरे वाह, तुम तो बहुत फॉरवर्ड हो, मतलब अपनी इस कार्ड से दे धनाधन शॉपिंग करती होगी, है ना? और ये सब सब्जियां भी उसी से लेती होंगी? अरे नहीं बाबा नहीं, क्रेडिट कार्ड तो सोना है सोना, मुश्किल के वक्त काम आता है। पहले जब हम लोग मुसीबत में रहते थे ना तब हम लोग सोना गिरवी रख के ब्याज पे पैसा लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, यही क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से मुसीबत से लड़ सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये भी मेरे तारक की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगी। लेकिन हम लोग कैसे मुसीबत से लड़ सकते हैं, ना हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और ना सोना। अरे कोमल भाभी, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? डॉक्टर की कमाई तो अच्छी होती है, तो सोना तो आपके पास होना चाहिए ना। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सोना है माधवी भाभी, पर चोरी के डर से वो भी बैंक में रहता है। अरे आप लोग टेंशन मत लो, आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हा? एक फोन करने की जरूरत है। मतलब तुम्हारी किसी मिनिस्टर के साथ पहचान है, तो वो फोन कर देंगे तो हम लोगो को मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फोन करूंगी तो मिल जाएगा। मेरे पास है ना सीएल के बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो लोग ज्यादा मगजमारी नहीं करते। अच्छा एक मिनट, ये सीएल के बैंक मतलब? चमनलाल लालचंद कुटकुटिया। कुटकुटिया? तो ये कुटकुटिया भाई की बैंक कहाँ है? अरे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक फोन कर दूंगी ना तो आधे घंटे के अंदर फॉर्म लेके आपके घर पे ही आ जाएंगे। अरे तो फिर उसे अभी क्या भी बुला ले। सूर्य हमें प्रकाश देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रकाश के लिए हमें सूर्य की आवश्यकता हो, एक जुगनू
रोशनी दे सकता है। आसमान नहीं चाहिए सितारों भरा, एक जलता हुआ दिया आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। और इस वक्त प्रकाश की एक किरण गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं को दिखाई है सब्जी वाली ने बताया कि इन्हें भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हाउसवाइफ्स जो नौकरी नहीं करती, जॉब नहीं करती, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जॉब करती है, घर परिवार को संभालना बिना किसी लालच के। भाई मर्द लोगों, महीने के अंत में तनख्वाह लाना सबसे बड़ा काम नहीं होता, सबसे बड़ा काम होता है बिना किसी लालच के मुस्कुराते हुए घर परिवार को संभालना। और ये हाउसवाइफ्स बड़ी बखूबी ये काम करती हैं। और इन्हें इस वक्त लग रहा है कि इन्हें भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड जो इस जमाने की आज की सबसे बड़ी उपयोगिता हो गई है। मुझे लगता है कि देश में जिस तरह लोगों के पास मोबाइल फोन है, वो दिन दूर नहीं जब सबके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा। और हो क्यों ना, क्रेडिट कार्ड भाई कमाल की चीज है। वो दिन दूर नहीं जब आप करेंसी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। भाई देश में क्या होगा इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चर्चा ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं को क्रेडिट कार्ड मिलता है या नहीं, और मिल गया तो क्या हंगामे होंगे। भाई यहाँ कुछ भी हो ठाके जरूर होते हैं, बस आपके लिए क्रेडिट पे हंसी नहीं है, हंसी बिल्कुल नकद। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।